दोस्तों, अगर आपका कोई SIP किसी अच्छे म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टॉक्स में चल रहा है तो आपके SIP पे रिटर्न्स कितने आपको मिलेंगे वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में SIP कैलकुलेशन एग्जांपल्स के जरिए। दोस्तों, आपके लिए मैंने अपनी वेबसाइट पे फ्री SIP कैलकुलेटर बनाया है जिसकी मदद से आप अपने SIP पे रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चलेगा कि आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग SIP चल रहा है या फिर नए SIP में आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है और कब तक मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम बढ़ते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं हमारे SIP के कैलकुलेशन एग्जांपल्स। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ट्रैक करेंगे कि हमारे SIP अमाउंट पे हमें कितना टोटल डिपॉजिट्स पे करना होगा हमारे पूरे टेन्योर में, यहाँ पे हमारा कितना मैच्योरिटी अमाउंट होगा और उसमें से हमारा कितना प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे हम SIP अमाउंट जो है वो 2000 रुपीज का लेते हैं, यानी कि हमारा 2000 रुपीज का मंथली SIP अमाउंट है और इन ईयर्स के लिए हम कैलकुलेट करके चेक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे SIP कैलकुलेटर को यूज करने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है FinCalC ब्लॉग, FinCalC। तो दोस्तों, FinCalC ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा यहाँ पे FinCalC-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिखेगा दोस्तों, तो आपको इस सेक्शन में जाना है। तो हम कैलकुलेटर्स पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे जो भी मैंने आपके लिए कैलकुलेटर्स बनाए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर, PPF या फिर HRA, और भी कई सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे हैं दोस्तों, और फ्यूचर में मैं और ऐड करते जाऊंगा। तो आप इस लिंक को भी बुकमार्क करके रख सकते हो ताकि आप बहुत ही आसानी से मेरे कैलकुलेटर्स को यूज कर सको। तो दोस्तों, यहाँ पे हम SIP कैलकुलेटर को यूज करने वाले हैं अपना जो रिटर्न्स है वो कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर दोस्तों ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर रिटर्न सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर को आप बहुत ही आसानी से यूज करके आपका कितना टोटल डिपॉजिट होता है, उसमें से आपका प्रॉफिट्स कितना होता है और मैच्योरिटी अमाउंट कितना होता है वो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो SIP अमाउंट है अभी के लिए वो हमने 2000 रुपीज का लिया है और दोस्तों यहाँ पे हम टोटल डिपॉजिट्स को भी कैलकुलेट करके डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हम 2000 रुपीज का SIP ले रहे हैं, तो इस सेल का रेफरेंस मैंने ले लिया और फिर दोस्तों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 12 महीनों के लिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने साल के लिए हम अपना SIP कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों, ये वाला जो इयर्स का कॉलम है इसमें से हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर दोस्तों एंटर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, एक साल में 24,000 रुपए का आपका टोटल डिपॉजिट्स होगा अगर आप 2,000 रुपए का SIP जो है उसको कंटिन्यू रखते हो। दोस्तों, इसी प्रकार से हम इस फॉर्मूला को एक्सटेंड करेंगे अगले 15 साल तक के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप 2 साल का SIP करते हो 2,000 रुपए का, तो आपका 48,000 रुपीज का टोटल डिपॉजिट होता है। 3 साल में आपका 72,000 का डिपॉजिट होता है। इसी तरीके से ये सारे डिपॉजिट्स जो हैं वो कैलकुलेट होके यहाँ पे एंटर हो गए हैं। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ SIP अमाउंट जो है वो डालना पड़ेगा। तो हम इस कैलकुलेटर में आएंगे, SIP अमाउंट जो है उसको 2000 रुपीज डालेंगे यहाँ पे। तो हमने 2000 रुपीज डाला। अब दोस्तों, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंटेज एज अ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड जो कि मेरे हिसाब से है वो है HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। तो दोस्तों, अगर आपने गूगल पे सर्च किया HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, तो आपको यहाँ पे ये वाला जो फंड है वो दिख जाएगा। तो दोस्तों, ये एक अच्छा फंड है क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है और टॉप 30 कंपनीज में निवेश करता है दोस्तों, क्योंकि ये सेंसेक्स प्लान में बिलोंग करता है। दोस्तों, मैं इस म्यूचुअल फंड को किसी भी तरह प्रमोट नहीं कर रहा, तो इसको आप एज अ रिकमेंडेशन मत लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो देख लेते हैं कि पिछले सालों में इसने क्या परफॉर्मेंस दिया है। दोस्तों, ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि 1 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ है और रिटर्न सिंस लॉन्च जो है 12.58% का दिया है दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा खासा फंड है ये, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, क्योंकि 12.58% का इसमें रिटर्न्स मिला है, हम ऑन एवरेज 10% का रिटर्न्स कंसिडर करेंगे हमारे एग्जाम्पल में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे आएंगे और यहाँ पे 10% का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम डाल सकते हैं, जो कि हमें किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में मिल सकते हैं अगले 10 या फिर 15 साल तक के लिए। अब दोस्तों, हमें क्या करना है कि एक एक करके एक साल
में कितना हमें रिटर्न मिलेगा और फिर 2 साल में या फिर 3 साल में, और ये जो पूरा डेटा है हम उसे फील कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 साल का डेटा आपको दिख रहा है, 24,000 का डिपॉजिट है, प्रॉफिट 1341 का है और आपका मैच्योरिटी अमाउंट 25,341 है। तो दोस्तों इस चीज को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दोस्तों ये आपका मैच्योरिटी अमाउंट होता है। अब दोस्तों प्रॉफिट कितना होगा कि आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है हम इस चीज को लेंगे और फिर माइनस करेंगे हमने जो टोटल डिपॉजिट्स किया है वो, और दोस्तों एंटर पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 1341 रुपीज का प्रॉफिट होता है और यही सेम चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। अब दोस्तों 2 साल में आपका कितना मैच्योरिटी अमाउंट होगा, तो यहाँ पे हमने ये 2 ईयर्स कर दिया आपका, ये जो टोटल डिपॉजिट्स प्रॉफिट्स और ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो अपने आप अपडेट हो गया है दोस्तों यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपने 6 महीने के लिए यानी कि 2 साल और 6 महीने के लिए कंटिन्यू किया, तो यहाँ पे मैंने मंथ्स का भी ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसी प्रकार से आपका मंथ्स जो है वो आप इंक्रीज करके चेक कर सकते हो कि आपका टोटल डिपॉजिट्स प्रॉफिट्स और मैच्योरिटी अमाउंट कितना होता है। तो दोस्तों अभी के लिए हम इसको 0 रखते हैं और ये वाला मैच्योरिटी अमाउंट है इस चीज को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इस फॉर्मूला को एक्सटेंड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से प्रॉफिट्स भी जान सकते हो और यहाँ पे हम एक्सेल में ट्रैक भी कर रहे हैं। अब दोस्तों 3 साल के लिए आपका कितना होगा, 3 साल के लिए आपका ये मैच्योरिटी अमाउंट होगा, इस चीज को कॉपी करेंगे और मैच्योरिटी में पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम प्रॉफिट को एक्सटेंड कर देंगे। और दोस्तों इस प्रकार से मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से जो 15 साल तक के लिए हमें डेटा चाहिए उस चीज को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पूरे 15 साल तक के लिए यहाँ पे टोटल डिपॉजिट्स मैच्योरिटी अमाउंट और प्रॉफिट्स डाल दिया है, और जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ 2,000 रुपए के SIP अमाउंट पे 15 साल के बाद आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो हो सकता है दोस्तों 8,35,849 रुपीज। और दोस्तों ये हमने सिर्फ 2,000 रुपीज SIP अमाउंट से इतना जमा कर लिया है। अब दोस्तों टाइम के साथ जब आपकी इनकम बढ़ती है तो हो सकता है कि आप यहाँ पे जो SIP है उसको स्टेप अप करो यानी कि उसको इंक्रीज करो। दोस्तों अगर आप स्टेप अप SIP करते हो यानी कि SIP अमाउंट को इंक्रीज करते हो टाइम के साथ, तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो और इंक्रीज होते जाएगा दोस्तों। अब स्टेप अप SIP के लिए भी मैंने अलग से यहाँ पे कैलकुलेटर बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हो स्टेप अप SIP कैलकुलेटर, आप इस कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो अगर आपको स्टेप अप SIP के रिटर्न्स जानने हैं। दोस्तों स्टेप अप SIP के रिटर्न्स के बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। और दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना SIP अमाउंट जो है वो सेट करना है। हो सकता है कि आप 5,000 रुपीज का SIP अमाउंट एफोर्ड कर सकते हो या फिर 10,000 रुपीज का भी SIP अमाउंट आप एफोर्ड करके चेक कर सकते हो कि आपके रिटर्न्स कितने आपको मिल सकते हैं आपके गोल्स के हिसाब से। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके दिमाग में एक गोल रहना चाहिए 5 साल का या फिर 10 साल का, और उस गोल के हिसाब से आप जो अमाउंट है आप अपना एक्यूमुलेट कर सकते हो SIP के द्वारा, ताकि आपको बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिलते रहें अच्छे म्यूचुअल फंड्स की मदद से। और दोस्तों जहां तक अच्छे म्यूचुअल फंड्स की बात आती है, तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2022, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आपको ये वाले जो रिटर्न्स है वो आपको एक्सेल कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके चेक करना है यानी कि आपको ऑफलाइन मोड में चेक करना है, तो आपको मैंने यहाँ पे डाउनलोड SIP रिटर्न्स एक्सेल कैलकुलेटर फ्रॉम हियर इसका भी लिंक दिया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक न्यू विंडो में ये वाला आर्टिकल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से इस आर्टिकल से एक्सेल कैलकुलेटर मिल जाएगा। आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में आओगे और यहाँ पे आप डाउनलोड म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कैलकुलेटर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इस सेक्शन में पहुंच जाओगे दोस्तों, और यहाँ से आप बहुत ही आसानी से ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैंने इस आर्टिकल में आपको समझाया भी है कि आपका SIP पे रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है और आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं जब आप SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के जरिए निवेश करते हो। तो दोस्तों आप ये वाला जो आर्टिकल है उसको भी रीड कर सकते हो आपकी नॉलेज के लिए। दोस्तों जैसे ही आपने एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड किया, कुछ इस तरीके से आपको ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर दिखाई देगा जहाँ पे आप 1 ईयर से लेके 20 ईयर्स तक के लिए आपका जो रिटर्न्स है वो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। आपको सिर्फ 2 चीजें यहाँ पे डालनी होंगी, एक तो आपका SIP अमाउंट कितना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और दूसरा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो दोस्तों 2,000 रुपीज का अगर आप SIP अमाउंट देखो यहाँ पे और फिर यहाँ पे हम 10% का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स डालें, तो 15 साल में जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका जो टोटल रिटर्न्स होगा मैच्योरिटी अमाउंट होगा
वो होगा 8,35,848। और दोस्तों यही मैच्योरिटी अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है 8,35,849। तो दोस्तों ऑनलाइन मोड में आप ये वाला कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा। और अगर आपको ऑफलाइन मोड में कैलकुलेट करना है तो आप ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। तो इसके अलावा मैंने कई सारे एक्सेल कैलकुलेटर्स के वीडियोस भी बनाए हुए हैं, जो कि मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल के रखे हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाले वीडियोस भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा, आपके 2000 के SIP पे आपको बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर आप लंबे समय के लिए SIP को जारी रखें। तो दोस्तों इस SIP कैलकुलेटर की मदद से आप बहुत ही आसानी से आपके जो SIP के रिटर्न्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हो, और कितने टेन्योर में आपको SIP जो है कंटिन्यू रखना है ताकि आपका गोल्स जो है वो अचीव हो जाए, आप ये भी चेक कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैंने कई सारे SIP रिलेटेड वीडियो भी बनाए हैं, जो कि आप देख सकते हो एक अलग से प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। आपकी कई सारी क्वेरीज है SIP रिलेटेड या फिर म्यूचुअल फंड रिलेटेड, वो सारी क्वेरीज आपकी उन वीडियोस में सॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों आप अपना पर्सनल फाइनेंस नॉलेज को बढ़ाने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड के टॉपिक्स डालते रहता हूँ और आपको हमेशा पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज के साथ अपडेट करते रहता हूँ। दोस्तों इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल FinCalC TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।